दोस्तों, पीर चनासी गेस्ट हाउस के ओनर डॉक्टर फैसल रसूल हमारे साथ हैं। स्पेशली आऊं पान सिंधी अजरक टोपी असा मुख्य पातल आए और स्पेशली जे असा सिंधी दोस्त हैं हैदराबाद जा टंडे जाम जा या जेके भी सिंध खां जेके पीर चनासी इतने मथे दरगाह तुम जबलन में ऐसी सोता मथे पीर चनासी दरगाह है वह ढी खूबसूरत है। वादी नीलम तुम वन चाहो था वह ढी खूबसूरत है स्पेशली सिंध वार डॉक्टर साहब सिंध जरे यूनिवर्सिटी टंडे जाम जी पंजो घर भी है उतना डॉक्टर साहब पढ़ी आया है तो ढा जबरदस्त मानू सिंध वार स्पेशली डिस्काउंट है। अल्हम्दुलिल्लाह आपसे मिलकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई और बहुत अच्छा लगा कि आप सिंध से हमारे पास यहाँ पे तशरीफ लाए, तो इंशाल्लाह हमारे पास जिस किस्म की मेहमानवाजी कर सके तो हम करेंगे, इंशाल्लाह आपको खुश रखेंगे। और टंडो जाम में तो आपने एक वक्त गुजारा है, टंडो जाम की ठंडी हवाएँ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की, तो वो तो बहुत ज़बरदस्त है। और सिंध के लोग जो है वो कैसे हैं? जी मैं सिंध में तकरीबन मेरे 15 साल गुजरे हैं और सिंध के लोग स्पेशली बहुत अच्छे, बहुत मिलनसार और बहुत मेहमान नवाज लोग हैं और मैं उनका ये प्यार कभी नहीं भूल सकूंगा। और कश्मीर के लोग भी जो है ना वो कम नहीं है, डॉक्टर फैसल रसूल जैसे बेहतरीन लोग मेहमान नवाज हैं। ख़ास तौर पर सिंधन दोस्तों के चंदस इतने अचो, 12 रूम है यहाँ पर, फैमिली के लिए भी जो है ना वो आप ट्रिप लेकर यहाँ स्टे करें और यहाँ से फिर लीपा वैली है, वादी नीलम है, पीर चनासी है, आप कश्मीर को जो है वो एंजॉय कर सकते हो। तो सिंध वालों के लिए क्या स्पेशली पैकेज है? जी सिंध वाले तो हमेशा हमारे दिल में रहते हैं, उनके साथ जो भी होगा कंसेशन होगी, जितने परसेंट वो बोलेंगे कंसेशन देंगे उनको सिंध को। चलो जी बहुत शुक्रिया, हम आपके साथ हैं, इस वीडियो को हम क्लोज़ करते हैं। आगा ट्रेवलर आपके साथ है, इंशाल्लाह यहाँ से फिर हम वादी नीलम भी आपको दिखाएंगे, खूबसूरत इलाके जब भी इधर आते हैं। पिछले साल भी हम यहाँ डॉक्टर साहब के पास आए थे और मैं अभी रावलाकोट में था तो वहाँ लाइव चलाई तो डॉक्टर साहब ने कहा कि भाई मुजफ्फराबाद उनको जब पता चले और मैं यहाँ से बाईपास करके जाऊँ तो फिर तो बात ही नहीं करते हैं। तो रावलाकोट में थे कि भाई मेरे पास यहाँ पर आना है, तो अब मैं डॉक्टर साहब के पास आया तो यहाँ से फिर हम वादी नीलम जाएंगे। तो डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, बहुत खुशी हुई और हमें बहुत अच्छा लगता है और ख़ास तौर पर जो है ना वो भाभी के हाथ की जो है ना वो बिरयानी बड़ी अच्छी लगती है। बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आपको मैंने इन्वाइट किया और आप एकदम आ गए और ये हमारे लिए बड़े एजाज़ की बात है और अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सेहत दे और हर साल बाद आप मिलते हैं तो हमें सिंध के साथ जो वाबस्तगी हमारी जो मोहब्बतें हैं वो दुबाला हो जाती हैं, हमें वो सारा प्यार वो मोहब्बत दोबारा नज़र आना शुरू हो जाता है। जो गुजरे हुए साल जो हमने वहाँ पर गुजारे सिंध में स्पेशली, वो मोहब्बतें हमें दोबारा जो आपकी शक्ल में हमें नुमाया हो जाती है। मैं आपको हमेशा शुक्र गुजार हूँ और हमेशा हर साल हमारे पास आए। इंशाल्लाह जी अब तो रिश्ता बन गया है और यहाँ आते रहेंगे। आगा ट्रेवलर मेरा चैनल है, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे आप जो ना लाइक करें, शेयर करें ताकि पूरे पाकिस्तान के खूबसूरत इलाके आपको दिखा सकूं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, फ़िलहाल हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, आगा ट्रेवलर आपके साथ, करिया करिया बस्ती बस्ती मुख्तलिफ इलाकों की मैं वीडियोज़ बनाता हूँ। आज मैं मुजफ़्फ़राबाद में हूँ, स्पेशली हैदराबाद से मेरा सफ़र जो है वो शुरू हुआ और फिर जो है वो मुख्तलिफ कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से घूमता हुआ मैं यहाँ पर मुजफ़्फ़राबाद शहर में आया हूं और कल मैं वहां पर जाऊंगा पीर चनासी। पीर चनासी एक बहुत खूबसूरत दरगाह है जो हाइट पर है, लेकिन जब पीर चनासी की बात हुई तो मैं जिस होटल में यहां पर ठहरा हुआ हूं कल से, तो ये पीर चनासी गेस्ट हाउस को असल में बताने का मकसद भी यही है था कि इसके जो ओनर हैं वो हमारे डॉक्टर फैसल भाई जो कि हमारे सिंजर यूनिवर्सिटी टंडो जाम से जो है वो पढ़ कर आएँ, तो वो वहाँ के हैं और स्पेशली उन्होंने कहा है कि जो सिंध से आने वाले हैं उनके लिए स्पेशली डिस्काउंट है। तो चलते हैं पीर चनासी गेस्ट हाउस आपको दिखाते हैं, लेकिन गेस्ट हाउस दिखाने से पहले जो लोग यहाँ पर आते हैं अपने मेहमानों को जो है वो यहाँ पर लेकर आते हैं, तो जैसे मुजफ़्फ़राबाद आएँ पीर चनासी गेस्ट हाउस आएँ और फिर राहत बेकरी के जो है वो केक ना खाएं, ऐसे हो नहीं सकता। तो चलें जी गेस्ट हाउस भी आपको दिखाते हैं, लेकिन पहले कुछ खाने पीने की बातें हों। केक जो है वो यहाँ के मशहूर हैं, तो यहाँ से केक जो है वो आपको दिखाते हैं, उसके बाद फिर अंदर कमरे दिखाते हैं। यहाँ पर दिखने में जो है ना वो बड़े खूबसूरत स्टाइल हैं, रंग बिरंगी हैं, तो आप मुझे बता सकते हैं कि कौन कौन से फ्लेवर हैं आपके पास? जी बिल्कुल, मैं कैमरा मैन थोड़ा सा यहाँ, हाँ हमारे पास ब्राउनी केक है, फ्रेश केक है, फ्रेश क्रीम केक है, इसमें दीगर मुख्तलफ और कश्मीर की डिमांड पे हम तैयार करते हैं विद इन वन हॉर्स,
कस्टमर अगर अभी डिमांड करता है हमें 4 पाउंड केक चाहिए, 5 पाउंड चाहिए, तो वो तकरीबन 1 घंटे में हम इंशाल्लाह उसे रेडी कर देते हैं जो उसे जिस वैरायटी में भी चाहिए। अच्छा, कितने पाउंड तक हैं, 1 पाउंड से लेकर कितने पाउंड तक के आप केक बनाते हैं? कस्टमर पे डिपेंड करता है कि जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है उस पर करते हैं हम। इसमें फ्रेश केक हम दिन में भी हमें तकरीबन 3 से 4 बार गाड़ी आती है, वो फ्रेश हम उसे मूव करवाते हैं ताकि हर चीज़ कस्टमर को फ्रेश मिले, नीट एंड क्लीन हर चीज़। अच्छा, चार्जेस भी थोड़ा सा बताते चलें जो लोग हैं उनको भी पता चले, क्योंकि हाँ इधर दिखा दें, ये जो है वो 180 है। जी जी, और ब्राउनी केक है, इस पर हमने डिस्काउंट करके अभी 2000 में भी है, 200 में छोटा भी है, इसमें 180 वाला भी है 1 पाउंड का, और 990 में भी 1 पाउंड फ्रेश क्रीम केक, और आर्डर केक है, आर्डर केक इससे भी तकरीबन 840 में है, 840। यहाँ पर हम आपको बताते चलें कि यहाँ पर फैमिलीज़ के लिए भी बैठने के लिए जगह है, यहाँ पर मुख्तलिफ पेट्रीज वगैरह हैं, वैरायटीज़ हैं, वो यहाँ पर फैमिलीज़ के साथ जो है वो एंजॉय कर सकते हैं, तो यहाँ पर हैं। तो ये बेकरी का हमने थोड़ा विज़िट करवा दिया। ओके जी, हम आपको जो है वो लेकर चल रहे हैं अभी पीरचनासी गेस्ट हाउस में, चलते हैं जी, आप हमारे साथ हैं और फिर जो है वो आपको कमरे दिखाते हैं, चलिए जी। ये जी आप यहाँ देख सकते हैं, बिल्कुल साफ़ सुथरे जो है वो कमरे हैं, बेहतरीन फैमिली के साथ जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हवादार कमरे हैं, यहाँ डबल बेड्स भी हैं और ये मैट्रेसेस भी हैं, अंदर जो है वो अटैच वाशरूम वगैरह हैं, सारे एक बेहतरीन किस्म का जो है वो यहाँ पर है, 12 कमरे हैं और बिल्कुल डिस्काउंटेड के साथ है। हम जिसके ओनर हैं उनसे भी जो है वो हम इस हवाले से बात करेंगे, लेकिन एक पीछे का व्यू आपको दिखाते हैं पीर चनासी का, क्योंकि ये गेस्ट हाउस पीर चनासी के नाम से है, और फिर हम आपको जो है वो यहाँ के मंज़र भी दिखाते हैं और जिसके ओनर हैं उनसे बात करते हैं।